यहाँ पर मैगी मैगी भी मिल रही है, मैगी मिल रही है 100 की एक, हमारे तरफ तो 10 की मिल रही है। क्योंकि यहाँ रोहतांग के पास काफी महंगी सारी चीजें महंगी मिल रही है। ये देखो बसें तो खुल रही है बट पहाड़ी पर जाना है, अभी रुक तो जाओ कलिक्स भी वो जा रहे हैं धीरे धीरे, डंडे का कोई सहारा ले रहा है, कोई यक का सहारा ले रहा है, ये देखो स्केटिंग कर रहे हैं। जाओ मर जाएंगे बर्फ के ऊपर, कीचड़ थोड़ा जमी गई है इसकी वजह से हम यहाँ पर स्केटिंग नहीं कर रहे, करने वाले कर रहे हैं स्केटिंग। यहाँ पर भी हमारे कलीग्स मैगी खा रहे हैं, 100 रुपीज का एक है। वादियों में काफी मजा आ रहा है, हम सोच रहे हैं हम लोग स्केटिंग कर ले, थोड़ा ऊपर जाने पे स्केटिंग करने के लिए इंजॉय करेंगे। ये देखिए पीछे का भी, पीछे काफी खाई है क्योंकि नीचे से हम लोग आ रहे हैं, काफी नीचे से ऐसा लग रहा है हवा हमें ऊपर से नीचे फेंक देगा, वीडियो बनाने में भी काफी परेशानी हो रही है। थोड़ा देर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं। देखो भाई साहब, ये देखो कैसा लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। कैसा लगा यहाँ रोहतांग का एक्सपीरियंस? नेटवर्क तो रहता नहीं है, बट कितना नेटवर्क है दिखाओ, बस दो ही नेटवर्क है यहाँ पर। काफी फसल फूल रही है बट हम वीडियो बना रहे हैं तो फूल हो रहा है। उधर का व्यू देखिए, बादल काफी नजदीक में ही है, नीचे से देखने पर हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर बादल है, बट यहाँ पर हमें बादल महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग जुलाई के महीने में आए, बारिश तो हो नहीं रही है, स्नो भी नहीं हो रही है, जो पिछले वाला बर्फ था वही बर्फ बस ऐसे गिरी हुई है और उसी पर स्केटिंग जो करने वाले हैं स्केटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इनके रिलेटिव फोन कर दिया थी, काफी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे पास एक खरगोश है, लग रहा है बट थोड़ी सी है, ये चादरें बनी हुई है बट कीचड़ है ऊपर से, चलते चलते जो लोगों चल रहे हैं लोग तो हमें चलते चलते काफी असर सला जी। नहीं भैया नहीं नहीं केसर नहीं चाहिए भैया, भैया बोल रहे हैं केसर लेने के लिए, केसर यहाँ पर मिलती है काफी सस्ती मिलती है बट डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल होती है तो हमें डिसाइड नहीं होती है, बट अच्छी होती है 100 रुपीज में, 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा, बार्गेनिंग करिएगा तो काफ़ी अच्छी है, 200-300 बोलते हैं बट बार्गेनिंग करिएगा तो काफ़ी सस्ते में। जब तो पैदल भी चले जाते हैं जिन्हें या उनके सहारे चलते हैं या फिर अपने कुछ ना कुछ सहारे ले ही लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे हैं क्योंकि
पार्क भी है। और उसके बाद हम लोग सोलांग वैली,